फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का क्या अर्थ हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, कैपिटल डी इक्वल टू जीरो, के की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x² + kx + 3 इक्वल टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, ax² + bx + c इक्वल टू जीरो। कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3। आ गया यहां तक समझ में? बिल्कुल आ गया। अब d है आपका जीरो, ठीक है, दे रखा ना, इक्वल रूट्स है, इट मींस d इज जीरो। और d क्या होता है, b² - 4ac इक्वल टू जीरो। b के स्क्वायर क्या हुआ, k² - 4 × a = 2 एंड c = 3, सही है, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो k² = 4 × 2 × 3, k = √ ऐसे लिख लो, क्योंकि ये अंडर रूट होगा तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 × 2 × 3, k = ±, 4 का अंडर रूट होता है 2, 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 × 3 हो जाएगा 6, दिस इज योर आंसर, प्लस माइनस 2√6। तो k की दो वैल्यू हो जाएगी, पहली वैल्यू हो जाएगी प्लस 2√6 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -2√6, ठीक है, आ गया समझ में? तो बच्चों अब नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं, तो आप भी सॉल्व करो स्क्रीन पॉज करके, मैं लिखता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड वाली है, kx × x - 2 + 6 = 0। अब एक काम करो, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो kx को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो kx² - 2kx + 6 = 0, ये है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दो, ax² + bx + c = 0, a हो जाएगा k, b हो जाएगा -2k और c हो जाएगा 6। कैपिटल d निकाल लो, विच इज b² - 4ac, तो b² का क्या मतलब हुआ, -2k² - 4 × a, a इज k एंड c इज 6, सो दिस इज इक्वल टू 4k² - 24k, k बाहर ले लो, 4k - 24, तो d जीरो हो जाएगा बिकॉज देर आर टू इक्वल रूट, सो d इज जीरो, इट मींस k × 4x - 24, देखो d जीरो है तो k × 4k, गलत नहीं दे बच्चों, अगर d जीरो है तो k × 4k - 24 = 0, 4k - 24 = 0। अब यहां से k की दो वैल्यू निकलेगी, पहली k = 0 इससे निकल जाएगी, और 4k - 24 = 0 मीन्स 4k = 24, k = 24/4 विच इज 6। तो अब k की दो वैल्यू आई, 0 और 6, जब 0 जैसी वैल्यू आ जाए तो एक बार चेक कर लेना चाहिए, कैसे, k को हम 0 रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही, यहां k 0 रखा तो ये टर्म हो गया 0, तो बन गया 6 = 0, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है, ध्यान से देखो, जब के यहां 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो 6 = 0 होता है क्या, नहीं होता, तो इस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे, हम छोड़ देंगे, दिस इज नॉट द आंसर, 6 एक राइट आंसर है, आप चाहो तो रख के देख लो, 6x when multiplied by 6 - 2 + 6 = 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी, सो k = 6 इज द राइट आंसर, k = 6 इज आंसर।